आपको बता दें कि ये पूरा मामला थाना कोतवाली नगर के गांधी मार्केट का है, जहां दो डॉक्टरों के आपस में ही क्लिनिक है। दोनों के मरीज एक दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इसको लेकर इन दोनों डॉक्टरों में आपस में कई बार विवाद भी हो चुका है। इसी को लेकर दोनों ने अपने क्लिनिक पर पड़ोसी नकली डॉक्टर से सावधान रहने की बात लिखी हुई है। वही इसको लेकर दोनों डॉक्टर्स में विवाद इतना बढ़ गया कि बीच में पुलिस को आकर दखल अंदाजी करते हुए दोनों डॉक्टर डॉक्टर मनोज कुमार जैन और डॉक्टर केपी सिंह को पुलिस थाना कोतवाली नगर ले गई और मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से दोनों डॉक्टरों की डिग्रियों की जांच कराने की बात कह रही है। वही स्थानीय लोगों की माने तो इन दोनों डॉक्टरों में मरीजों को लेकर अक्सर विवाद देखा जाता है। अब देखने की बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग इन दोनों में से किसको असली और किसको नकली डॉक्टर बताता है। क्या हुआ है यहाँ, क्या वजह है? मतलब फार्मेसी आपके पास डीपीएससीबी डिप्लोमा फार्मेसी क्लिनिकल फार्मेसिस्ट। और नकली कौन है? ये डॉक्टर बनता है, बैठी डिग्री है बैठी और डॉक्टर बनता है। मनोज जी क्या समस्या है, पुलिस से बुलवाइए। समस्या ये है कि मैं एक रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ, है ना, भारतीय चिकित्सा परिषद से, जबकि मेरे पड़ोस में जो है बहन बंस का यादव के नाम से रजिस्ट्रेशन है जी। और जबकि उसका भाई प्रैक्टिस कर रहा है, आज तक बहन कभी नहीं बैठी जी। और इसके इधर पिताजी हैं इसके केपी सिंह कृष्णपाल सिंह जी, जो कि हॉस्पिटल से फार्मेसी से रिटायर हैं जी, और जो कि प्रैक्टिस करने के अधिकारी नहीं है हाँ। लेकिन बहन के लड़की के उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ भाई के उसमें भाई प्रैक्टिस कर रहा है बहन के। इसमें लिखा हुआ नकली डॉक्टरों से सावधान, ये इसका मतलब क्या है? तो ये जब जो दूसरा प्रैक्टिस कर रहा है, जो डॉक्टर होना चाहिए वो प्रैक्टिस नहीं है, दूसरा डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, सिग्नेचर करके सबको अथॉरिटी दे रहा है अपनी, तो ये नकली नहीं हुआ तो क्या हुआ? डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं है कोई इनका, बंस का यादव के नाम से डिग्री रजिस्ट्रेशन है। क्या मांग करते हैं कार्रवाई? मैं कहता हूँ या तो जो है ये अपना जो है प्रैक्टिशनर जो रजिस्टर्ड है वो बैठे, ये नकली लोग नहीं बैठे। किस चीज़ की क्या क्या होता है जो कि मैंने सीएमओ के यहाँ से मैंने कॉपी मांगी तो उसमें बंस का यादव के नाम से रजिस्ट्रेशन है, ना कि और किसी के नाम से। ओके ओके।